जेठालाल खरीद लेगा अब्दुल की दुकान। तो दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लेटेस्ट प्रोमो और एपिसोड में हमने देखा कि अब्दुल अपनी दुकान बेचना चाहता है और उसको एक पार्टी भी मिल जाती है जो कि उसकी दुकान अच्छे भाव में खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल यह है कि क्या अब्दुल दुकान बेचकर गोकुलधाम सोसाइटी छोड़कर चले जाएगा? वो तो दोस्तों हम सबको ही पता है ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का एंड कैसे होगा? तो दोस्तों, मेरे हिसाब से दो चीज हो सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, कुछ स्टोरी से हमें जेठालाल नजर नहीं आ रहा है, तो के हिसाब से जेठालाल बाहर गया है। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर अब्दुल जो है दुकान बेच देता है उस पार्टी को और वो गोकुलधाम सोसाइटी वाले उसे रोक भी नहीं पाते हैं? और दोस्तों, आखिरी में पता चलता है कि वो पार्टी और कुछ नहीं जेठालाल की है, मतलब जेठालाल ने अब्दुल की दुकान खरीद ली है। टप्पू ने उसे अब्दुल के बारे में बताया था। अगर दोस्तों ऐसी हैप्पी एंडिंग होती है तो दोस्तों मजा ही आ जाएगा और जेठालाल की एंट्री वापस शो में हो जाएगी। और दोस्तों, दूसरी जो चीज है जो मेरे को लगता है कि अब्दुल अपनी डील कंप्लीट कर दुकान बेचने वाला होता है और इतने में दोस्तों गोकुलधाम सोसाइटी वाले अब्दुल की मदद कर देते हैं। दोस्तों, इस चीज का होने के बहुत चांस है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अब्दुल अपनी दुकान बेचकर सोसाइटी छोड़कर चला जाएगा या क्या होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की ऐसे ही अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।